आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ आटे का चीला है। रितु बनाएगी करेली मम्मी के स्टाइल का। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। के रख दिया करेली को, तो चीला बनी रहा हमारा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। ओके 9:30 हो रहे हैं, मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ एज यूजुअल, जो हमेशा करती हूँ। आज दो चोटी भी फिर से बना ली है मैंने। तो नहा रही है रिशु, नहाकर रेडी हो गया है, उसको आज ऑफिस जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आना है वहाँ से। तो उसके लिए मैं अभी रोटी बनाऊंगी, नाश्ता करेगा वो। उसके लिए दाल और करेली की सब्जी बना दिया है। थोड़ा हैवी नाश्ता करते हैं हम लोग सुबह में, मतलब मेरे लिए और रितु के लिए चीला बनाया है मैंने आटे का। चलिए मैं रोटी बना देती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो बैठा है, उसको जाना है ऑफिस। ये करेली बनी है। बनाना शेक बनाया जा रहा है, वैसे तो टेस्टी बनता नहीं है, बस बोल देती है दीदी पी लो और बोल दो कि बहुत टेस्टी बना है। मैं अच्छा बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। नहीं, मैं अच्छा बनाती हूँ ज्यादा। बस बस बस, फिक्स है कैमरा, एक मिनट चला दूँ। रेडी सेट गो एक्शन। इतना मस्त है देखो, पीने लायक एकदम मजेदार। वो तो पीने के बाद पता चलेगा टेस्ट कैसा है। झूठ मत बोलना, बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। थोड़ा टेस्टी यार, मजा आ गया। चीयर्स। जैसे चीयर्स नहीं क्या? चीयर्स। मुझे तो भूख लग रही है, मैं शेक के साथ चीला खाऊंगी जो बनाया नाश्ते में। रितु बाद में खाएगी कह रही है। नहीं अभी मैं खा लेती हूँ, भूख मुझे भी लग रही है। खाओगी? सेम प्लेट में ले लूँ? ले लो। खाना नहीं खाती है और मरने जैसी इसकी हालत हो रखी है। देखना आप लोग, देखना हॉस्पिटल से लेके आए इनको, मरते मरते बची है। चलो पकड़ो ये शेक, पकड़ो मेरा। भाई साहब बैठ के कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं मोबाइल में। प्यार दिख रहा है, बहन बहन का प्यार एक ही थाली में हम लोग खा रहे हैं। आज मैं सुंदर लग रही हूँ। हाँ टकली हो गई हो, सर पे बाल ही नहीं है। मुझे लंच पैक करके देती थी और मैं बाहर बरामदे में वेट करती रहती थी रिक्शे वाले भैया का, आएंगे फिर जाएंगे। उतनी देर में मुझे भूख लग जाती थी और मैं सारा टिफिन लंच अपना उसी समय खत्म कर देती थी। मम्मी लंच पैक करके देती थी इसको। LKG या UKG में हो गई है, हम लोग वैन का वेट करते रहते थे बाहर, गेट के बाहर की वैन आएगी। उसी दौरान ये लंच बॉक्स खत्म कर देती थी, खा के पूरा फिनिश। वो मम्मी लंच बॉक्स देती थी इसको, एक तो सुबह में वहां खड़े हो गए खाने के लिए, एक लंच स्कूल में करने के लिए। तरबूज लेने जा रहे आज हम, सब्जी वाले भैया से नहीं, फ्रूट्स वाले भैया से। कितना किलो है? 4 KG से थोड़ा ज्यादा। यहाँ पे मैं और रितु जीरो काटा खेल रहे हैं गेम, तुमको पता है ना रितु? देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। तुम्हारा क्या है? जीरो। मेरा होएगा क्रॉस। जीरो क्रॉस, जीरो क्रॉस, जीरो। पॉइंट, मैं हार गई, रितु जीत गई। टू वन पॉइंट, वन पॉइंट, बल्ले 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 बल्ले। जीरो। ओ जीत गई तुम, बल्ले 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 बल्ले। कैसे जीत गई तुम? रितुआ सब जीत गई है, लेकिन चीटिंग किया है इसने। कोई चीटिंग नहीं किया मैंने, कोई चीटिंग नहीं किया, बिल्कुल फेयर एंड फेयर गेम खेल रही हूँ मैं। कर रही थी इधर से इधर, कर रही थी इधर से इधर, झूठी नकल। मैं जीत गई, ये मैं जीत गई 7 पॉइंट से। क्या खा रही हो?
वही चीला खा रही हूँ, भूख लग रही है फिर से। कैसे खा रही हो, प्लेट नहीं है क्या घर में? रोल बना खा लो, मजा आता है। सबके अपने अपने भाई, क्या बोल सकते हैं। काम करते करते सो गई मैं, रितु को देख कर ये सो रही थी तो मुझे भी नींद आ गई। ऐसे सोई, हाथ ये सब दब गया, इधर निशान हो गए, देखो ये। हाँ ये चाय पियेंगे अभी हम लोग। रितु यहाँ चाय बना रही है। रितु खाने के लिए क्या है इसके साथ? एक चीला बचा हुआ है और दो ब्रेड है, एक चीला है और बिस्किट है। यू ही इज लाफिंग ऑन यू। कोई बात नहीं, चाय जल के आधी हो गई पूरी, देखना आके जल गया आधा, तुमको दिख नहीं रहा वो आधा। कब चाय पिलाओगी? तो चाय गर्मी में आधी कप ही पीनी चाहिए। ये हमेशा ऐसे ही करती है, पापा इसको कंजूस बोलते हैं इसके लिए। नहीं, इस नहीं करना चाहिए, वेस्ट ना करने का तरीका होता है ये। चाय वेस्ट ना करने का एक तरीका होता है, हम ऐसे तुरंत छान करके और रख देते हैं, उसमें इतना चाय तो रहता ही होगा, कम से कम एक कप तो होता ही होगा। सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। हाँ, ये सारे कपड़े फोल्ड करने। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। रितु यहाँ सारे कपड़े फोल्ड कर रही है। क्या करूँ, सफाई भी, शॉपिंग भी, कपड़े भी प्रेस करो, कपड़े भी फोल्ड करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, इतनी छोटी जान के ऊपर। एल्फी स्टिक रिशु ने दिया, गिफ्टेड है, उज्बेक का फ्रेंड, उसको गिफ्ट किया था, उज्बेक की स्टांग से। ट्राई करती हूँ इसमें आज ब्लॉगिंग करने का। तो मैंने ये स्टिक यूज किया है जो रिशु ने दिया अभी, सेल्फी स्टिक। सही है, यूज करने में तो सही लग रहा है ना, देखो थोड़ा डिस्टेंस आ जा, सब कैप्चर हो जाएगा इसमें। अच्छा है, यही यूज करूंगी मैं आज से। बाल थोड़े से खराब हो रहे हैं, चिड़िया की तरह, चाई चुआ की तरह। ऐसा काम कर रही हूँ, मजा आ रहा है स्टिक यूज करने में। से फीलिंग आ रहा, देखो तब डिस्टेंस आ रहा, इजिली कैरी हो जाएगा। मेरा ऑफिस का काम खत्म हो गया है और 6:05 हो रहे हैं, लेकिन अभी योगा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है 6 बजे से, लेकिन जूम मीटिंग मैं कर रही हूँ तो लॉगिन नहीं हो रहा मेरा, मेरे ख्याल से नेट इशू है। ट्राई कर लेती हूँ, अगर इंटरनेट चल गया तो ज्वाइन कर लूंगी, अदरवाइज लॉग आउट कर लूंगी। तो हम लोग छत पे जा रहे हैं एक टास्क करने, इसके साथ देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। आतन का लाइट बंद करो, फालतू का जल रहा है। ये हमारा ट्रिक है और इसके जो बीज है वो हम खा कर देखते हैं कितनी दूर तक जाता है। ये देखो इतना सारा बीज, ये तरबूज में का फेंका हम लोगों ने, देखना कितना प्यारा लग रहा है। टंकी वाले छत रूम में यहाँ टंकी रखी जाती है, पीछे सारा गुड़गांव है। देखो आप लोग, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। गाइस, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, नीचे आई हूँ अभी जस्ट ऊपर से, तब से मैं ऊपर ही थी, छत पे ही वॉक कर रही थी, अब मुझे भूख लग गई है तो रितु मेरे लिए दलिया बना रही है वहाँ पर। चलिए मैं डिनर करूंगी इसके बाद। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ गाइस, आई होप आप लोग को पसंद आएगा ये ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए